हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज पब्लिक रिएक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, भारतीय टीम T20 पांच मैचों की सीरीज के लिए रवाना हो चुकी है। जो युवा खिलाड़ी है, सभी A to Z युवा खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ियों को प्लेन द्वारा रवाना कर दिया गया है जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे में जाकर पहले तो अभ्यास मैच की प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद में पांच मैचों की T20 सीरीज जिम्बाब्वे से खेलेंगे। अब उसमें सभी युवा खिलाड़ी है, सभी युवा बॉलर है और सभी युवा ऑलराउंडर है और कप्तान भी युवा है, यानी कि राहुल द्रविड़ रिटायर हो चुकी है। अब उनकी जगह BBS लक्ष्मण ने ली है, सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। उसके बाद में दूसरा कोच का चयन होगा। तो गाइस, जिस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बना है, ये कितना सफल रहता है देखने वाली बात रहेगी। सभी युवा है, कोई इसमें सीनियर नहीं है किसी को गाइड करने वाला। तो भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी छाप छोड़ने वाली है, जो 6 जुलाई से मुकाबला खेला जाएगा। तो भारतीय टीम पहला मैच अपना शनिवार को खेलेगी और पहले मैच में भारतीय टीम कितना कमाल का प्रदर्शन करने वाली है देखेंगे गाइस। और प्ले के लिए भी भारतीय टीम की कैसे रहने वाली है, BCCI ने तस्वीर के साथ किया है साझा। उससे पहले गाइस, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो शुभम गिल है जो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, आवेश खान है जो की अपनी टीम के साथ मजबूती प्रदान करते हैं और उनके लिए शानदार तरीके से टीम में भी रखा गया है, तो इसीलिए उन्हें टीम में रखा गया है। शानदार बॉलिंग कराएं, अपनी टीम को मजबूती प्रदान करें। बिश्नोई कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की कमी पूरी करते हुए नजर आएंगे, इसलिए रवि बिश्नोई को स्पिनर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया गया। युवा खिलाड़ी है जो मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलती है, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी से अपनी प्रभावित करती है टीम। और ऋतुराज गायकवाड को भी टीम में शामिल किया गया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी की थी और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया गया। तो ऋतुराज गायकवाड भी इस टीम में शामिल है, युवा खिलाड़ी है, उन्हें शानदार मौका मिलेगा। 5 T20 मैचों की सीरीज है, तो ऋतुराज गायकवाड कितना प्रभावित करने वाले हैं देखने वाली बात है। जबकि ट्रेवर हेड अभिषेक शर्मा की शानदार पारी देखी, यानी कि 6 ओवर में 125 रन की दोनों ने मिलकर पारी खेली थी, तो इसलिए अभिषेक शर्मा को भी चांस मिला है यहाँ पर। यानी कि तुषार देश पांडे को भी यहाँ पर मौका मिला है, वो भी अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरने की हौसला रखते हैं, इसीलिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है और उन्हें चांस मिला है। इस चांस का कितना बेनिफिट उठाते हैं तुषार देश पांडे देखना होगा। और रिंकू सिंह को तो आप सभी जानते होंगे, रिंकू सिंह किस प्रकार के बल्लेबाज है, क्या कर गुजरने की हौसला रखते हैं। अगर 1 ओवर में 6 छक्के की आ जाए जरूरत, तो वो भी मारने का हौसला रखते हैं रिंकू सिंह, इसीलिए रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। खिलाड़ी को शामिल किया गया है जिसका नाम है पश्चिम सुंदर, जो कि ये शानदार गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी बखूबी मदद करते हैं और बल्लेबाजी भी खूब शानदार करके दिखाते हैं। अपनी टीम को जरूरत पड़े तो उसमें रन भी लगा सकते हैं, चौके छक्के भी। ये शानदार बॉलिंग भी डालते हैं, शानदार फील्डिंग भी करते हैं, शानदार बैटिंग भी। रियान पराग का नाम आपने गाइस सुना होगा, जो कि आसाम गुवाहाटी से आते हैं, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया। IPL का उनका प्रदर्शन देखते हुए अब रियान पराग किस प्रकार की अपनी टीम में छाप छोड़ पाती है गाइस, जब वो खेलेंगे तभी पता चलेगा कितना प्रभावित करेंगे BCCI के लिए। संजू सैमसन जो कि अभी T20 World Cup 2024 से तुरंत जुड़े हैं और उन्हें तुरंत मौका उधर नहीं मिला था, पर इधर मौका मिलेगा T20 सीरीज में। तो संजू सैमसन का के प्रदर्शन एक बार फिर से निराशाजनक रहने वाला है। संजू सैमसन कुछ कमाल की पारी खेल के दिखा, इसका नाम है खलील अहमद। तो खलील अहमद भी तहलका मचाते हुए दिल्ली कैपिटल की तरफ से नजर आए थे IPL में, अब क्या टीम इंडिया को भी वही तहलका दिखा सकते हैं खलील अहमद अपने प्रदर्शन से? क्या खलील अहमद एक बार BCCI को जो उनका प्रदर्शन है उससे प्रभावित करेंगे या नहीं? तो गाइस, ये थी कुछ प्लेइंग 11 जो BCCI ने फोटो के साथ तस्वीर के साथ शेयर की है। और गाइस, BCCI ने इस शानदार तरीके से तस्वीर के साथ बताया है ये प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे के लिए भारतीय टीम की रवाना हो चुकी है और भारतीय। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और देखते रहिए क्रिकेट न्यूज पब्लिक रिएक्शन भारत यूट्यूब चैनल।